हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में जब प्रॉपर्टी से स्टार्ट हुई तो हमने डिस्कस किया था कि कलर कैसे यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे यूज़ करते हैं, कमेंट्स क्या होती हैं, उसके बाद बॉर्डर्स। और अब इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं वो मैं वर्डपैड में बताता हूँ कि एक्चुअली मार्जिन्स क्या होते हैं। मार्जिन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दीज आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। सपोज आप जैसे कि एक नेम लिख रहे हैं, डेवलपर, आपने डेवलपर लिखा, अब आप चाहते हैं कि उसके अराउंड एक बॉक्स हो, स्क्वायर बॉक्स, सर्कल भी हो सकता है अगर आप बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। तो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट और जो बॉर्डर का जो एज है उसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे, एक तरह से एक मार्जिन रहे। जैसे नहीं होता है कि अगर आप एक प्रिंटआउट निकालते हैं पेपर का, तो उसमें आप चाहते हैं कि नहीं, टेक्स्ट और पेज का जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके बीच में एक डिस्टेंस रहे, मार्जिन है, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। तो हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं वो हम इस प्रॉपर्टी से सीखेंगे। और मार्जिन को हम अलग अलग तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मार्जिन टॉप होती है, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम। तो अब हम नोटपैड में इसको यूज़ करके बताते हैं कि एक्चुअल में मार्जिन हम कैसे यूज़ करते हैं। आइए बताता हूँ। HTML ये थोड़ा स्मॉल हो गया, मैं बड़ा सर्च कर लेता हूँ। ओके, एंड देन बॉडी। पहले मैं इस बार मैं इनलाइन सीएसएस यूज़ करता हूँ, दो बार से मैं इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रहा था। अब देखिए क्या होगा कि सपोज मैं लिखता हूँ, सेंटर पहले मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं H1 भी कर देता हूँ। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि पी में टैग ले रहा हूँ, और पी में जो क्लास, पी में जो स्टाइल रहेगा, ये मैंने आप लोग को इनलाइन सीएसएस में बताया था। अब देखिए, और इसके अंदर मैं कुछ फॉन्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ डेवलपर। अब ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ LECT7.html, लेक्चर नंबर 7 है, ध्यान रखिएगा। और लेक्चर नंबर 7 ये रहा। ओके, ये आप देख रहे हैं डेवलपर, ठीक है, स्पेलिंग गलत हुई है, डेवलपर। यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक देता हूँ इसको, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो देखिए डिस्टेंस हो जाता है थोड़ा टॉप से, वो अगली लाइन से स्टार्ट होने लगता है। ये देखिए, लेट मी रिफ्रेश, ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए हम इसमें स्टाइल लगाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम उसका यूज़। मैं अब इसमें मार्जिन देता हूँ, तो सपोज मैं बॉडी में मार्जिन देता हूँ, एक्चुअल में बॉडी यहाँ पे, ओके। तो स्टाइल को एक्चुअल में बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या रहेगा, जैसे मार्जिन देता हूँ मैं 400 पिक्सल्स, ठीक है, आप नोटिस करिएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अभी ये टॉप पे था और अभी ये 400 पिक्सल्स डाउन आ गया है। अगर मैं इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे कि अभी 100 पिक्सल्स नीचे आ गया है। तो ये है मार्जिन का कमाल। अब देखिए, जैसे कि मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ कि मार्जिन, ये मार्जिन टॉप में 100 पिक्सल्स रहे भले ही, लेकिन ये मार्जिन राइट में, ये 100 पिक्सल्स, मतलब ये राइट से 100 पिक्सल्स दूर रहे, ठीक है। अब देखिए ये 100 पिक्सल्स ऐसे काम करेगा, क्योंकि पहली बात तो ये सेंटर में अलाइन, मैं इसको सेंटर रिमूव कर देता हूँ क्योंकि सेंटर से इस पर असर पड़ता है।
देखिए ये अलाइन हो गया किस साइड, लेफ्ट साइड। तो ये कुछ इस तरह से मार्जिन का कमाल है। अब मैं एक बार इसको मैं लेफ्ट की लेके दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट से मार्जिन इतनी बनी है, देखिए अभी 100 पिक्सल दूर हो गया। यानी कि जैसे कि मैं किसी भी टैग में अगर मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, टॉप हो, बॉटम हो। अब मैं इसका मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। तो मार्जिन टॉप हो गई, राइट हो गई, बॉटम, लेफ्ट। अब एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम मार्जिन को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि तो जो पहला फॉर्मेट होता है मार्जिन 25 पिक्सल, 50 पिक्सल, 75, 100 पिक्सल्स, तो इसमें क्या होता है कि पहला जो होता है वो टॉप होता है, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम, चौथा लेफ्ट। हमने बॉर्डर में डिस्कस किया था कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किस तरह से होता है कि हम बिना ज़्यादा प्रॉपर्टी लिखे हुए हम कम कोड में ही उसको सारी वैल्यू दे देते हैं कि हाँ भाई टॉप में क्या रहेगा, पिक्सल्स राइट में कितनी दूरी होनी चाहिए, बॉटम में कितनी दूरी, लेफ्ट में। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं आगे चल के, जब हम इसके एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हम और मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक यू।